शिवानी वर्मा एंड यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हो या आप हेयर स्टाइल का कोर्स करने वाले हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। गाइज, अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स करने जाते हो तो आपको जो पहली चीज बहुत ही जरूरी होती है वो होता है हेयर डमी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑफलाइन हेयर डमी और ऑनलाइन हेयर डमी दोनों का। मैं रिव्यू आपको दूंगी कि कौन सा बेटर होता है, आपको कैसा हेयर डमी खरीदना चाहिए और कौन सा बेस्ट रहेगा, कितने तक का आता है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अभी आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस। इसमें मैं आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ हेयर स्टाइल को लेकर। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया था हेयर डमी ओनली 988 रुपीस में। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ इसका शेयर करूँ अनबॉक्सिंग का वीडियो, ताकि आप लोग की भी कुछ हेल्प हो जाए। तो गाइज, चलिए इसको ओपन करते हैं और इसके बारे में मैं बताती हूँ, आपको रिव्यू देती हूँ कि इसमें क्या खराबी है कि अच्छा है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से आया है, कोई टूटा फूटा नहीं है चीज़। और ये हेयर डमी के साथ स्टैंड भी मिला है, क्योंकि बिना स्टैंड के हम हेयर डमी पे वर्क नहीं कर सकते। तो हेयर डमी के साथ स्टैंड मिलता ही है, भले आप ऑफलाइन खरीदो या ऑनलाइन खरीदो मिलता है। तो मैं इसको कर रही हूँ अनबॉक्सिंग। और इसका हेयर गाइज ठीक था, लॉन्ग लेंथ में ठीक था इसका हेयर, बट ये हेयर प्लास्टिक का है। और प्लास्टिक का है तो जिससे हम प्रैक्टिस, मतलब मैं गई थी एक दिन इसे लेकर अपने एकेडमी में, तो एक तो मैं इसका बाल सुलझा रही थी तो बहुत ही हेयर फॉल हो रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और मतलब ये देखिए, ये फिनिशिंग नहीं आ रही है स्टाइलिश में, हेयर स्टाइल में फिनिशिंग नहीं आ रही थी, ये भी दिक्कत था, क्योंकि ये प्लास्टिक की हेयर है। जब भी आप हेयर डमी खरीदते हो, अगर आप कोर्स करने जा रहे हो हेयर का, हेयर स्टाइलिश का, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि प्लास्टिक का हेयर नहीं होना चाहिए, रियल हेयर का हेयर डमी होना चाहिए, तभी आपकी स्टाइल में फिनिशिंग आएगा, नहीं तो ये प्लास्टिक की हेयर में फिनिशिंग नहीं आएगा। तो इसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने इसे रिटर्न कर दिया था। स्टाइलिंग के टाइम बाल बहुत इधर उधर जा रहे थे तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसे रिटर्न कर दिया और मैंने ऑफलाइन हेयर डमी ख़रीदा। गाइज, आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है, मेरे चैनल पे मैं एक और न्यू चीज़ लेकर आने वाली हूँ स्टाइल से रिलेटेड, जिसको सब लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है मेरे चैनल से, अगर आप जुड़े हुए हो तो। गाइज, इसमें मैं स्किन केयर, मेकअप, लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ ही मैं लेकर आऊँगी आपके लिए हेयर स्टाइल। जी हाँ गाइज, मैं आपको हेयर स्टाइल्स भी दिखाने वाली हूँ, बहुत अच्छी अच्छी तरीके से हेयर स्टाइल बनाकर आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। सो गाइज, ये देखिए, इसमें हेयर भी बहुत कम था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कम था, उतना अच्छा नहीं था, बस मुझे इसका लेंथ ही पसंद आया और मुझे कुछ पसंद नहीं आया। और इसका शक्ल बहुत प्यारा सा था तो बस। और अगर आप कभी भी हेयर कलर देखते हो, लेते हो, तो आप गोल्डन या ब्राउन में लेना। तो मैंने इसे कर दिया पैक और स्टैंड को भी पैक कर दिया, और मुझे मैंने इसे रिटर्न करने के लिए रेडी कर दिया ये बॉक्स में डाल के, और रिटर्न भी हो गया था। देन मैं गई थी ऑफलाइन परचेज करने सदर से। ये था ऑनलाइन हेयर डमीज का रिव्यू। अब मैं आपको बताऊंगी मैंने ऑफलाइन सदर से लिया है जो हेयर डमी, तो मैं उसका रिव्यू दिखाऊंगी। तो ये है ऑफलाइन हेयर डमी जो कि मैंने सदर से खरीदा है ओनली रुपीज 1200 में। 1200 रुपए में मैंने ये हेयर डमी को परचेज किया है। और मैंने कहाँ से परचेज किया है उसका मैंने विजिटिंग कार्ड आप लोग के साथ शेयर किया है मैंने अपने लास्ट वीडियो में, तो आप लोग चेक कर सकते हो, उसमें आपको शॉप का नाम दिख जाएगा कहाँ से मैंने परचेज किया, उसमें नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप लोग वो देख सकते हो,
और आपको लेना है तो आप वहीं से लेना, आपको बहुत ही कम रेट में अच्छी डमी मिल जाएगी। नहीं तो मैंने हर जगह पूछा था, वहाँ 2300 2500 के नीचे कोई हेयर डमी नहीं बता रहा था। ये अंकल थे, इसे 1500 में बोला था कि 1400 में, बट मैंने 1200 में लिया तो मुझे बहुत सही लगा। और ये गाइस रियल हेयर है, प्लास्टिक का हेयर नहीं है, ये रियल हेयर है, आप देख सकते हो। अपने ऑनलाइन डमी का जो मैंने दिखाया था प्लास्टिक वाला हेयर और ये हेयर में बहुत ही फर्क है, आप लोग को दिख ही रहा होगा, पता चल गया होगा। और इस पे अगर हम डिजाइन भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, डिजाइन दिखेगा। इसके साथ भी अंकल ने ये स्टैंड दिया, मैंने बोला था आपको कि डमी के साथ स्टैंड मिलता ही है, भले आप ऑफलाइन लो या ऑनलाइन लो, तो स्टैंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टैंड के बिना हम डमी पे वर्क नहीं कर सकते। इस गैप में आपको हेयर डमी का स्टैंड मतलब लगाना है, देन ये स्टैंड होल्ड होगा, आप टेबल वगैरह पे होल्ड कर सकते हो। स्टैंड को लगाकर मैं बताती हूँ कि आप स्टैंड को कैसे लगा सकती हो, आपको डमी के साथ साथ मैं इसका भी नॉलेज देती हूँ, तो आपके लिए ये डबल फायदा हो गया। गाइस इसमें तीन चीज़ें मिली हैं मुझे, आप लोग देख सकते हो। तो इस गोल वाली चीज़ को मैं डालूंगी उस ऊपर के साइड से, उसे लगाऊंगी, आप लोग देख सकते हो ऐसे लगाना है, और उसे थोड़ा कस के मतलब लगा देना है कि वो निकले ना। देन ऊपर से ये राउंड वाला हम जैसे कस कर देंगे ताकि वो निकले ना, तो ऐसे लगाना है आपको। आई होप आप लोग को बहुत ही हेल्प हुआ हो मेरी इस वीडियो से, डमी को लेकर, स्टैंड को लेकर। जिसे स्टैंड लगाने नहीं आता होगा उसे भी हेल्प हुआ होगा। और नीचे से हम ये जो स्क्रू जैसा है, सॉरी स्क्रू जैसा है, उसे हम नीचे की तरह करेंगे ताकि वो यही जो पार्ट है तो हमारा जो होल्ड होगा टेबल पे, और जितना नीचे करेंगे टेबल मतलब टेबल का मतलब जितना मोटा टेबल होगा उसमें हम डालेंगे साइड से जो होता है, आप लोग समझ सकते हो, तो उतना ही हम लोग इसे लूज करेंगे, देन उसे डालकर हम लोग टाइट कर देंगे, तो ये होल्ड हो जाएगा डमी में, आप लोग देख सकते हो ऐसे करना है। डमी का फेस भी प्यारा है, बट ऑनलाइन का फेस बहुत ही प्यारा था, बट इसका हेयर बहुत ही प्यारा है, इस पे मैं स्टाइल करूंगी वो भी दिखेगा। सो गाइस आपको दोनों डमीज में से कौन सा डमी एकदम परफेक्ट लगा, सही लगा? और अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स करना चाहते हो या आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हो, तो आपने कौन सा डमी लिया था या आप कौन सा डमी लेने वाले हो, आपको कौन सा बेस्ट लगा, उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको भी ये वीडियो मेरी कैसी लगी, और प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय एंड टेक केयर।